गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहा है 9 और वैसे मैं जल्दी उठ गई थी 8 बजे। पता नहीं क्यों 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है, रात में बिल्कुल नींद नहीं आती। 2:30 बज जाते हैं, ना मुझे आएगी ना ही वर्षा को। शायद डाइट कर रही हूँ उसकी वजह से हो रहा है, पता नहीं चल। गर्मियों में यही होता है, देखो सुबह से मतलब 9 बजे हो कितनी भयंकर धूप निकलने लगी और कहीं पे भी बाहर जाने की सिर्फ बाहर जाने की पड़ती है। पप्पी आओ। जाएगा भी पपी का हो गया था टाइम नीचे ले जाने का, तो मैं सोचा कि इसको भी नीचे वहीं पे उबाल लिया क्योंकि इसका फ्रेश सब्जी ले आऊंगी, क्योंकि मेरे पास सब्जी बनानी है और थोड़ा थोड़ा करके बहुत टाइम हो जाता है, काफी लेट हो जाता है। बस अभी भी नहीं उठी सोने, सोचता है कि ये ना बहुत परेशान करेगा मेरे को। ओए रुक जा। पपी रुक बेटा। मैं सीधा वहां से जा सकती थी बट उधर से सीधा जाने में काफी लॉन्ग पड़ जाता है, फिर वहां पर इसलिए यहाँ पे ना पीछे से एक गेट है, यहाँ से पप्पी को ले जाते हैं हम लोग। और काफी धूप पड़ रही है, बिल्कुल भी धूप में निकलने की ना इच्छा ही नहीं होती है। सीढ़ी किसी ने धो दी थी पानी से, नहीं लोगों ने तो वहाँ पर जो ठंडक मिल गई, पप्पी वहाँ पे आके सो गया और आ भी नहीं रहा था बिल्कुल। मैं तो पप्पी चलो पप्पी चलो, पप्पी हो गया शैतान, इधर आओ पप्पी। अभी इसको तो पता है, चलो चलो जल्दी, क्यों जाना नहीं है, घर नहीं जाना क्या, घर नहीं जाना, चलो जल्दी। देखो लिफ्ट बंद हो गई, देखो जल्दी चलो, मैं तो जा रही हूँ, चलो मैं तो जा रही हूँ, आना है तो आ जाओ, मैं तो जा रही हूँ, आना है तो आ जाओ, फिर नहीं आना तो नहीं आओ, जल्दी आओ। और सडनली मेरा प्लान बन गया कि मुझे जाना है मार्केट। उस दिन परी के पापा के साथ में गई थी मार्केट, तो जो मेरे को जो सूट वूट ले रहे थे मुझे पसंद नहीं आए, और परी के पापा को इतनी जल्दी थी उस दिन। एसी पंखा बंद है, चालू कर। तो उस दिन मेरे को कुछ पसंद नहीं आया था, रात भी हो रही थी, तो परी के पापा को शाम को टाइम नहीं मिलता है क्योंकि घर पे काम लगा है, तो बच्चों को भी फ्राइडे को रेड डे सेलिब्रेट हो रहा है, सो उनको उनके लिए कपड़े चाहिए, तो मम्मी ने कहा कि उधर से पूजा को लेके वहीं से बच्चों के लिए कपड़े ले आऊं, क्योंकि साइज वाइज उन्हें सही पता नहीं रहता है बच्चों का। सो अभी हम जाएंगे मार्केट क्योंकि बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदने हैं, उनका फ्राइ कुछ अपने लिए खरीदना है। सो इतनी धूप पड़ रही, हिम्मत नहीं हो रही, पर क्या करे पड़ रही है, पर क्या करे मतलब जाना तो पड़ेगा ही। अगर शाम को इनको टाइम नहीं मिलता, वैसे मैंने शाम का प्लान बनाया था बट बोल रहा है शाम को मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उसी टाइम मिस्त्री वगैरह जाते हैं और सारा कुछ समेट मतलब करवा मतलब अंदर रखना पड़ता है, मम्मी वगैरह मम्मी दूध दूध लेने जाती है उसी टाइम पे, तो घर पे कोई नहीं होता है। सो इसी चक्कर में अभी जा रहे हैं और मैं तो भैया मुंह बांध के जाऊंगी, अगर ब्लॉग बना पाऊंगी मार्केट का तो बना पाऊंगी क्योंकि इतनी धूप पड़ रही है, और अदरवाइज मैं जो भी शॉपिंग करके आऊंगी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बता ही दूंगी। तो अभी जल्दी जल्दी से हो जाती हूँ रेडी, फिर उसके बाद में निकलती है मार्केट। हो चुकी हूँ मैं रेडी और अभी निकलती है मार्केट, मैंने स्टॉल ले ली क्योंकि मुंह कवर करके जाऊंगी, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, तो चलो तो चलो चलते हैं। और बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही मुझसे कोई बेवकूफी कहेगा कि इतनी धूप है, अभी बज रहे हैं 3 और बहुत ज्यादा धूप पड़ रही बाहर, तो चलो फेस वेस पूरा कवर करके तभी जाएंगे। आ बाय पप्पी। निकल गए और इतनी धूप पड़ रही है, फेस कवर किया है फिर भी इतनी ज्यादा, और आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही क्योंकि एक तो बाइक पे हूँ और दूसरी बात फेस भी कवर है, उस वजह से आवाज क्लियर नहीं आएगा। इधर का ना रोड देखो कैसा, पूरा ये न्यू रोड गिर गया है इधर से, रोड स्थान है। तो आपकी कसम खा लीजिए, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह की लापरवाही होती है दुर्घटना का ब्यौरा। एक बार पता यहाँ पे मैं आके इतना गुम हो गई थी इस रास्ते पे आके, एक बार मैं मार्केट आई और मेरे को टेम्पो वाले ने इसी जगह पे उतार दिया, और फिर उसके बाद मैं भूल गई, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, फिर एक पुलिस वाले भैया ने मेरे को बताया कि इधर से आपको जाना है, तो जब से मुझे ये जगह इतनी याद हो गई है कि लाइफ में आप कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन नाम अभी भी याद था पर हाँ लोकेशन याद रहती है। वैसे मैं हर बार मार्केट आती थी तो पानी पूरी वगैरह खाती थी, बस इस बार मेरी लाइफ चल रही है तो मैं परी पसंद करी थी, नारियल पानी वगैरह कुछ खिला दूँ।
कितनी भी गर्मी हो सर्दी हो मार्केट में आपको बराबर भीड़ मिलेगी। मतलब मार्केट कभी ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा वो नहीं हो, बट हाँ शाम को, अभी शाम को ज्यादा होती है। उस दिन शाम को आई इतनी भीड़ थी बहुत ज्यादा, अभी थोड़ी कम ही है। मुराद और ये देखो ठेकी सब पे जाओगे ना, ये वाले दुकान वाले कहेंगे जब आती है ये कैमरा इनका हमेशा चालू रहता है। सभी हम लोग लेंगे परी को पिस के लिए कपड़े, उसके बाद में और गुड़िया के लिए भी दिखा दो। यहाँ से ना बस आ चुके हैं मार्केट से और 5 बज गए हैं हम लोग का, 3 बजे के निकले थे, 2 घंटे हो गए हैं और परी पापा सीधा घर पे निकल गए हैं क्योंकि घर पे काम वाले लगे हैं, तो 5 बजे उनके जाने का टाइम हो जाता है। सो मार्केट से क्या क्या लेके आए वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे क्योंकि आज का ब्लॉग हो जाएगा बड़ा, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। चलो मैं कुछ खा लेती हूँ, ऐसा बना रही है मैंगो का जूस में, फिर थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा धूप की वजह से मेरे सिर में हेडेक होने लगा है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। सो आज के लिए सो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और क्या क्या शॉपिंग की है वो सब बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपको।